Okay. So we have Sita. Sita, I have got a book. I will ask you a lot of questions. Okay? You just have to translate as fast as you can. Ready? Okay. Okay. मैं खुश हूँ. I'm happy. हम अशिक्षित हैं. अनपढ़ हैं. We are uneducated. और लाउड बोलिए, आवाज कम आ रही आपकी. We are uneducated. तुम डरपोक हो. Yes, sir. तुम डरपोक हो. ईयरफोन हटा दीजिए, ऐसे नॉर्मल आई आपका ईयरफोन सही नहीं है. Okay, sir. नॉर्मल आई. You are coward. Okay. तुम बुद्धिमान हो. You are an intelligent. इंटेलिजेंट में एन की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव में एन नहीं लगता है. यू आर इंटेलिजेंट. वह भूखी है. She is hungry. तुम कौन हो? Who are you? वे लोग बदमाश हैं. They are obnoxious. ठीक है. लड़कियां साहसी हैं. Girls are brave. ठीक है. क्या मैं अपराधी हूँ? Am I अपराधी? का अपराधी मतलब क्रिमिनल. ओके. एम आई क्रिमिनल. क्या वह बेईमान है? इज ही डिसऑनेस्ट. क्या संजय दत्त एक एक्टर है? इज ही संजय दत्त एक्टर. फिर इज ही नहीं आ सकता. इज संजय दत्त एन एक्टर. इज संजय दत्त एन एक्टर. क्या तुम थके हुए हो? Are you थके हुए हो? Tired. Are you tired? Yes, yes. Are you tired? क्या सड़कें गंदी हैं? Is road are गंदे हैं? Is are एक साथ कैसे आएगा? Are the roads? Are the roads? आपने क्या सेंटेंस बोला था? गंदी है. गंदी. गंदे हैं. Dirty. Are आर रोड. आपको गंदे का इंग्लिश नहीं आता? गंदा कोई अगर कमरा गंदा हो क्या बोलेंगे आप? मेस. डर्टी वर्ड आपको नहीं पता? डर्टी क्या इस तालाब का पानी साफ है? सर प्लीज रिपीट. क्या इस तालाब का पानी साफ है? Is this pond water is clean? Is the water of this pond clean? Okay. क्या तुम्हारे गांव की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं? Is your village women are educated? आप is भी लगा रही हैं, are भी लगा रही? Sorry. Are your village women educated? Women. ठीक है. क्या उसका पड़ोसी लालची है? उसका पड़ोसी is his neighbors are is neighbors is लालची है. लालची को greedy कहते. Is his neighbor greedy? Please बेटा go there. ठीक है. अब मैं कुछ इंग्लिश बोलूंगा, उसकी हिंदी करनी है. ठीक है. Am I dishonest? क्या मैं बेईमान हूँ? Are we criminals? क्या हम क्रिमिनल हैं? ठीक है चलेगा. Are you serious? क्या तुम सीरियस हो? Is he sincere? क्या वो सिंसियर है? Is she honest? क्या वो ऑनेस्ट है? ओके. Are they helpless? क्या वो helpless है? इससे पता चलता है कि इंडिया में कोई हिंदी नहीं है. helpless helpless है, उसकी हिंदी किसी को नहीं पता है. helpless मतलब लाचार. लाचार. ठीक है. क्या मैं एक देशभक्त नहीं हूँ? am I not a countryman?
देशभक्त है, क्या बोलते हैं देशभक्त को, पैट्रियट। ओके चलो, कोयला काला होता है, कोयला काला होता है, और तो कोल इज ब्लैक, ठीक है। चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट। दूध हानिकारक नहीं होता है, मिल्क इज नॉट हार्मफुल। ओके ठीक है, और देखते हैं। क्या आम मीठा नहीं होता है, is not their mango sweet? ऐसे करके बोल सकते हैं, are mangoes not sweet? Okay. मैं रेडी नहीं था, was I not ready? Okay. तुम अनएजुकेटेड नहीं थे, यू आर नॉट अनएजुकेटेड। मौसम क्लियर नहीं था, मौसम क्लियर नहीं था, देयर वॉज नॉट गुड वेदर, द वेदर वॉज नॉट क्लियर। वे लोग भिखारी नहीं थे, these people were not beggar. Yeah, they were not beggars. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या मैं तुम्हारा दोस्त था, आवाज़ आई योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कहाँ था, वेयर वाज योर फ्रेंड। क्या वो सेल्फिश था, वाज ही सेल्फिश। ओके, हम लोग प्रेजेंट रहेंगे, वी प्रेजेंट रहेंगे, वी विल प्रेजेंट, वी विल बी प्रेजेंट, प्रेजेंट। तुम बिजी रहोगे, यू विल बी बिजी। आप लोग ऑनेस्ट रहोगे, यू विल बी ऑनेस्ट। ठीक है, ओके। मैं स्वस्थ रहूंगा, हेल्दी रहूंगा, आई विल बी हेल्दी। ठीक है, क्या तुम्हारा भाई भूखा रहेगा, विल योर ब्रदर बी हंग्री। क्या तुम प्रेजेंट नहीं रहोगे, विल यू नॉट बी प्रेजेंट। मेरे पास दौलत नहीं है, आई डोंट हैव वेल्थ। मुझे सामर्थ्य नहीं है, कैपेसिटी नहीं है मुझ में। अच्छा, आई एम नॉट डायमेनिस्टी, मतलब आई हैव नॉट डायमेन, क्या वो वर्ड बोला था, कैपेसिटी आई हैव नॉट कैपेसिटी, आई डोंट हैव कैपेसिटी। कैपेसिटी, मेरे पास एक कंप्यूटर था, आई हैड ए कंप्यूटर। तुम्हारे पास एक इंक पॉट था, यू हैड ए इंक पॉट। तुम्हारे पास कितनी कुर्सियां थी, How many chairs did you have? क्या तुम्हारे पास नई रजाई नहीं थी, रजाई मतलब क्विल्ट, नहीं थी, didn't you have a new quilt? क्या उसके पास टाइम नहीं था, Did he have time? उसके पास एक कार होगी फ्यूचर में, he will be a car. महागलत, he will have a car. Yeah, he will have a car. Okay. ठीक है। मुकेश एक लड़का है, मुकेश इज बॉय।
रवि एक इंजीनियर है. रवि इज इंजीनियर. लता एक गायिका है. लता इज सिंगर. लता एक अच्छी गायिका है. लता इज गुड सिंगर. ये लगाएं, लता इज अ गुड सिंगर. लता इज अ गुड सिंगर. लता एक बहुत अच्छी गायिका है. लता इज बिग सिंगर. लता इज अ वेरी गुड सिंगर. यह हाथी है. दिस इज एलिफेंट. दिस इज एन एलिफेंट. ए एन द. बच्चों वाला सब पूछ रहा हूँ. यह एक छाता है. दिस इज एन अम्ब्रेला. ओके. यह एक नया छाता है. दिस इज न्यू एन अम्ब्रेला. नहीं, दिस इज अ न्यू अम्ब्रेला. अच्छा. ओके. वह पुराना छाता है. वह पुराना छाता है. दैट इज ओल्ड अम्ब्रेला. दैट इज एन ओल्ड अम्ब्रेला. खुशी एक लड़की है. खुशी इज गर्ल. ओके, ठीक है. मोहन एक आदर्श बालक नहीं है. आदर्श मतलब आइडियल. मोहन इज नॉट आइडियल बॉय. एन आइडियल. एन आइडियल बॉय. आपके आर्टिकल का टेस्ट कर रहा था मैं. ओके. क्या यह एक विश्वविद्यालय है? इज इट अ यूनिवर्सिटी. Is it a university? Is it a university? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. मेरे चाचा जी के दोस्त MLA हैं. My uncle has friend MLA. My uncle's friend is an MLA. यह लड़कियों का स्कूल है. दिस स्कूल इज गर्ल. दिस इज अ गर्ल्स स्कूल. वह अभिषेक का खेत है. वह दूर है. अच्छा. दैट फील्ड इज अभिषेक. दैट इज अभिषेक्स फील्ड. उस टेबल की ऊंचाई 4 feet थी. हाइट. ऊंचाई मतलब हाइट. दैट चेयर वाज हाइट 4 feet. The height of that table was 4 feet. चलिए मैं इंग्लिश बोलूंगा, हिंदी कीजिए. This is Rahul's pen. ये राहुल का पेन है. That is the toy of Rohan. वो टॉय रोहन का है. These are Rani's books. ये रानी की बुक्स हैं. ये रानी की किताबें हैं. रानी की नहीं, रानी की किताबें हैं. Those are the books of Ram. वो किताबें राम की हैं. वी आर द नेबर्स ऑफ अजय. हम नाम क्या बोला था आपने? अजय. अजय. अजय के पड़ोसी हैं. ओके. द रोड्स विल बी बेटर टुमारो. रोड कल सुधर जाएंगे. यह मेरी गाय नहीं है. दिस इज नॉट माय काउ. अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो देश प्रोग्रेस करता. इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर इट वुड बी इंडिया प्रोग्रेस. द कंट्री वुड प्रोग्रेस. अगर मैं एक बर्ड होता तो आकाश में उड़ता. इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता. If I have money, I give you. If I had money, I would give it to you. अगर नेता ईमानदार होते तो देश प्रोग्रेस करता. If If the leaders were honest. अच्छा. If the leader were honest and it he would. Next sentence बोलिए. Next sentence. कुछ बच्चे इसमें आना चाह रहे हैं और ये चूंकि 1-to-1 rapid fire है इसलिए मैं किसी को accept नहीं कर रहा हूँ. Okay. 1-to-1 है ना.
मैंने ग्रुप में पहले मैसेज भेजा था। यस सर। ओके ठीक है। मैं अमेरिका में रहा करता था। आई यूज टू अमेरिका। आई यूज टू लिव इन अमेरिका। आई यूज टू लिव इन अमेरिका। वे लोग सुबह वॉक किया करते थे, टहला करते थे। दे यूज टू बी वॉक्ड। टू बी वॉकिंग। दे यूज टू वॉक। दे यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। मैं जब 10th में था 8 घंटे पढ़ा करता था। When I was in 10th, I could पढ़ा करता था। I used to 10 hour। I used to study 10 hours। चलिए मैं इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी कीजिए। My grandfather used to tell me stories every night। मेरे दादाजी स्टोरियां सुनाया करते थे हर रात। हर रात। Our teacher used to punish us for telling lies। जब हम झूठ बोलते थे हमारे टीचर पनिश करते थे। The saint used to help the sick and the poor। Saint मतलब साधु। साधु गरीबों की मदद किया करते थे। I used to get up early during my childhood। जब मैं छोटी थी जल्दी उठा करती थी। The express train used not to stop at small stations। ट्रेन स्मॉल स्टेशन में नहीं रुकती थी, नहीं रुका करती थी। ठीक है, गुड वन। वह पैसे कमाना चाहता है। He wants to earn money। देखो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। I want to become a doctor। वह जाने के लिए सहमत हो गया। He agreed to go। मैं आशा करता हूँ कि सफल हो जाऊँ। I hope to become successful। रितिका अंग्रेजी पढ़ना चाहती है। रितिका wants to learn English। चलिए इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी कीजिए। राकेश promised to finish the work by evening। राकेश ने वादा किया कि वो इवनिंग तक फिनिश कर लेगा। यू फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द फैन। तुम पंखा बंद करना भूल गए। ही लर्न्ड टू सिंग एनी सॉन्ग। वह इंग्लिश नहीं सॉरी गाने सीखना नहीं चाहता। ही लर्न्ड टू सिंग मतलब वो गाना गाना सीख गया। अच्छा ओके। मुझे रोज टहलना है। मुझे रोज टहलना है। आई हैव टू वॉक डेली। ओके वो आने वाली है। शी इज अबाउट टू कम। मेरी माँ मुझे खाने के लिए फ्रूट्स देती हैं। माई मदर गिव्स मी अ फ्रूट फॉर इट। ओके इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी कीजिए। ही गेव मी अ पेंसिल टू राइट विद। सर अगेन। ही गेव मी अ पेंसिल टू राइट विद। ओके अब मैं आपको पेंसिल देता हूँ लिखने के लिए। उसने मुझे पेंसिल दिया। ही गेव मी था। ही गेव मी। ओके। ही इज क्विक टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। उसने जल्दी ही प्रॉब्लम को वो नहीं वो तुरंत प्रॉब्लम समझ जाता है। ठीक है ठीक है। छोटे छोटे सवाल मैंने आपसे बहुत पूछे, काफी है आज के लिए। दोबारा कभी आपको बुलाया जाएगा। ठीक है बहुत सारी मिस्टेक हुई सर। नहीं अचानक था ना, होता है। यस सर कोई बात। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू। टेक केयर। ओके सर। थैंक यू सर।